नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभ्यास एग्री एकेडमी। मैं आपका दोस्त गिरिराज। दोस्तों, यार हमारा जो MCQ सीरीज चल रहा है, आज उसका है पार्ट टू। ये जो MCQ सीरीज है, जिसके अंदर हम टोटल 500 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र और IPSCFO के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 50। ठीक है, जो पार्ट फर्स्ट है दोस्तों, पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने कितने क्वेश्चन देखे थे, 30 क्वेश्चन देखे थे। अब पार्ट सेकंड है आज हमारा, तो पार्ट सेकंड के अंदर हम 50 क्वेश्चन, तो टोटल हमारे हो जाएंगे 80 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे, चारों ऑप्शन को, पांचों ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 जो है अपना, ठीक है, यहाँ पर एक योजना है, मत्स्य संपदा योजना, उसके बारे में हर चीज़ इंक्लूड की गई है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप दोस्तों IPSCFO या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए टेस्ट सीरीज चाहते हैं या कोर्स चाहते हैं, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस कोर्स जो है वो मात्र कितने रुपये में है दोस्तों, 499 रुपये में। 499 रुपये में आपको लगभग 280 वीडियो मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको PDF नोट्स प्लस वीडियो दोनों चीज़ मिलेगी, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। टेस्ट सीरीज ले सकते हो आप, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको 50 बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए, आपको 250 के अंदर 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल सकते हैं। दोस्तों, जो हरियाणा के अंदर ADU SCDU की जो वैकेंसी आई है, उसका नया बैच स्टार्ट होने वाला है 27 तारीख से सुबह 8:30 से लेकर 10, और जो REO SCDU क्वालिटी कंट्रोल MP के स्टूडेंटों के लिए, छत्तीसगढ़ वालों के लिए, वो भी 8:30 से 10 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर अपना, पहला क्वेश्चन क्या है, इन टोमेटो एंटी फ्रीजिंग जीन हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम। दोस्तों, स्पेशली जो क्वेश्चन है ना, हॉर्टिकल्चर का नहीं, ये जो क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी का है ना, ये जो क्वेश्चन है स्पेशली हॉर्टिकल्चर का नहीं, ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, ठीक है, DNA ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो DNA ट्रांसफर टेक्नोलॉजी या जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की हमने टमाटर की कुछ ऐसी वैराइटीज डेवलप की गई हैं जो कि एंटी फ्रीजिंग, मतलब टमाटर के अंदर किसी और से जीन को ट्रांसफर कराया गया है, और जो जीन होती है, ठीक है, टमाटर को जो कोल्ड है उससे बचाती है, एंटी फ्रीजिंग जीन। ठीक है, तो टमाटर के अंदर जो एंटी फ्रीजिंग जीन है वो ट्रांसफर की गई है फिश से, किससे, फिश से, जिस मछली से की गई है उसका नाम है विंटर, ठीक है, विंटर फ्लंडर। ठीक है, इस मछली से क्या की गई है, तो आंसर है मछली से किसके अंदर, तो आंसर है टोमेटो के अंदर जीन ट्रांसफर की गई है, टोमेटो और टोबैको, ये दो क्रॉप जो हैं इनके अंदर हमने क्या किया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, या कोल्ड रेजिस्टेंट, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कोल्ड रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर सकते हैं, मतलब ऐसी वैरायटी जो कम टेम्परेचर को भी सहन कर सकती है, लो टेम्परेचर को भी रेजिस्टेंट क्या कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है। तो उसी प्रकार टोमेटो के अंदर भी हमने एंटी फ्रीजिंग जीन ट्रांसफर की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज बाई न्यूट्रेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ब्लूम ऑफ एल्गल एंड अदर एक्वाटिक प्लांट इज टर्मेंट। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जब झील के अंदर का न्यूट्रेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर न्यूट्रेंट के अंदर क्या होता है, झील के अंदर की जो एल्गी होती है, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ने लगती है, शैवाल की संख्या, और जो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ने लगती है। किसी झील है, तालाब है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर न्यूट्रेंट रिच होने लगती है, अगर झील जो है न्यूट्रेंट रिच हो जाती है, अब देखो यहाँ पर न्यूट्रेंट की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, एल्गी जो है, एल्गी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट बहुत ज़्यादा होंगे, तो एल्गी की जो एक्सेसिव ग्रोथ होती है, जिसको हम कहते हैं ब्लूम, क्या कहते हैं, जिसको हम वाटर ब्लूम कहते हैं, ठीक है, तो पानी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा पोल्यूटेड हो जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि एल्गी और एक्वाटिक प्लांट बहुत ज़्यादा उग जाते हैं झील के अंदर, इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट ये AFO के अंदर पूछा हुआ है। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है किसी झील के अंदर न्यूट्रिएंट रिच होने से क्या होता है उसके अंदर, कि एल्गी और जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन है, क्वेश्चन नंबर तीन क्या पूछा गया है कि आइडियल रेशो क्या है, ठीक है, आइडियल रेशो एंड माइक्रो पोर्स इन द सोइल, ठीक है, सोइल के अंदर दोनों पोर जो होते हैं, कैपिलरी और नॉन कैपिलरी, या फिर मैक्रो माइक्रो पोर्सेस कितना होना चाहिए, 1:1 रेशो में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है पुशिंग PM कंसेप्ट ऑफ सीट रेगुलेशन अहेड ए वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाई स्वीट रेगुलेशन स्टार्ट की गई है, तो इस स्वीट रेगुलेशन के एस्पेक्ट में इंडिया के अंदर एक वर्ल्ड क्लास हनी वी टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की गई है, तो उसके संबंध में क्या क्या कथन सही है। तो पहला है
कि हनी बी टेस्टिंग लेबोरेटरी लोकेटेड आनंद गुजरात, ठीक है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, द लैब हैज बीन एस्टेब्लिश बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ये लैब जो है किसके द्वारा बनाई गई है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि आनंद गुजरात के अंदर है। ठीक है, विच हैज बीन सपोर्टेड बाई नेशनल बी बोर्ड, ये जो लेबोरेटरी है किसके द्वारा सपोर्टेड है, नेशनल बी बोर्ड के द्वारा सपोर्टेड है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है, ए बी सी दोनों का है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आंसर है तीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने सारी चीजें जो एस्पेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार क्या है दोस्तों, ठीक है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, ठीक है, स्टार्टेड बाय द विच स्टेट ऑफ द प्लेस। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये सेंट्रल की स्कीम है, ये भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है, फसल मंत्री है ना ये, तो इसकी जगह, ठीक है, एक स्टेट है जिसने इसकी जगह रिप्लेस करके कौन सी योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, ये गुजरात के द्वारा, किसके द्वारा, गुजरात के द्वारा अगस्त के अंदर, अगस्त 2020 में, ठीक है, गुजरात के द्वारा, ठीक है, अगस्त 2020 के अंदर ये योजना है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो थे ना, अभी है ना मुख्यमंत्री चेंज हो गया, अभी भूपेंद्र पटेल बन गए हैं, तो है ना पहले कौन थे, तो आंसर है मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, कौन थे भाई, विजय रूपाणी थे। तो विजय रूपाणी के द्वारा ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत क्या था कि जिन किसानों को है ना नेचुरल कैलिमिलिटीज़ के द्वारा, ठीक है, बेमौसम बारिश के द्वारा अगर कोई फसल ख़राब हो जाती है तो उसका अगर जो लॉसेस है, ठीक है, किसी फार्मर का लॉस अगर लेस देन 60% है तो भाई उस फार्मर को 4 हेक्टेयर, ठीक है, 4 हेक्टेयर, ठीक है, 4 हेक्टेयर जो लैंड है उसका मुआवजा दिया जाता था, कितना, 22,000 रुपये, ठीक है, 22,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से उसको पेमेंट किया जाता था। अगर लॉसेस ग्रेटर देन 60% था, अगर किसी फार्मर को भाई बारिश के कारण है ना उसकी फसल जो लॉस है 60% से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में किसान को 25,000 रुपये पर हेक्टेयर, ठीक है, 25,000 पर हेक्टेयर, लेकिन टोटल लैंड को नहीं दिया था, सिर्फ 4 हेक्टेयर ही कवर इसके अंदर, कितना, 4 हेक्टेयर। क्या इस स्कीम्स के अंदर फार्मर को कोई प्रीमियम पे करना होता है, नहीं, लेकिन फार्मर की क्रॉप का इंश्योरेंस तो होता है, इंश्योरेंस कितना होता है, 1,00,000 रुपये का, ठीक है, 1,00,000 रुपये का इंश्योरेंस होता है, लेकिन फार्मर को कोई प्रीमियम पे नहीं करना होता, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंजोस स्किल इज द सीरियस पेस्ट ऑफ एप्पल फ्रूट क्रॉप, व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ। तो भाई सेंजोस स्किल का जो जूलॉजिकल नाम होता है क्वाड्रा, ठीक है, स्पीडोटस परनीशियस, ये सेंजोस स्केल का क्या होता है, तो आंसर है साइंटिफिक नाम होता है। इसके बाद दूसरा नाम है भाई, ठीक है, एरियोसोमा लेनिजेरम, एरियोसोरियोमा लेनिजेरम, ये एप्पल वूली एफिड का नाम है, एप्पल वूली एफिड का साइंटिफिक नाम है, एप्पल वूली एफिड, ठीक है। इसके बाद है स्यूडो, ठीक है, स्यूडो लेस्केपिस स्पीसी, ये स्केल है भाई, अलग अलग टाइप के स्केल्स होते हैं। अर्वेनिया एमाइलोवोरा, ये एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है, ये क्या है भाई, बैक्टीरिया है अर्वेनिया एमाइलोवोरा, ठीक है, ठीक है। इसके द्वारा फर्स्ट डिजीज फायर ब्लाइटो पेप्पल, ठीक है, फायर ब्लाइटो पेप्पल नाम की बीमारी होती है, फायर ब्लाइटो पेप्पल, ठीक है, फायर ब्लाइटो पेप्पल, ये पहली खोजी गई फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है टीजे बोरेल के द्वारा, ठीक है, टीजे बुरिल के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, ठीक है, तो अर्वेनिया एमाइलोवोरा, ठीक है। आइसेरिया परचर, ये होता है कॉटन कोजनी स्किल, क्या होता भाई, कॉटन कोजन स्किल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच फ्लोवर इज नोन एज द ब्लैंकेट फ्लोवर, किस फ्लोवर को हम ब्लैंकेट फ्लोवर कहते हैं, तो आंसर है गलारडिया फ्लोवर को हम ब्लैंकेट फ्लोवर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ है, स्टैकिंग प्रैक्टिस इन विच क्रॉप, ठीक है, जो स्टैकिंग प्रैक्टिस भाई किस क्रॉप में करते हैं, तो आंसर है टोमेटो, इसका मतलब होता है सपोर्ट देना, इसका मतलब क्या होता है, सपोर्ट देना। देखो टमाटर के अंदर दो तरह की वैरायटी आती है, टमाटर के अंदर आती है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, तो टोमेटो के अंदर जो इनडिटर्मिनेट वैरायटी होती है, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मी, टोमेटो के अंदर दो तरह की आती है इनडिटर्मिनेट, ठीक है, जो इनडिटर्मिनेट और दूसरी होती है भाई डिटर्मिनेट, दूसरी क्या होती है डिटर्मिनेट, ठीक है। तो जो इनडिटर्मिनेट वैरायटी होती है टोमेटो की वो क्या होती है, इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा होती है ना, इनकी जो ग्रोथ होती है क्या होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इनकी जो ग्रोथ होती है ज़्यादा होती है, इधर देखो ऐसे ये प्लांट है तो इसकी ग्रोथ क्या होगी, बहुत ज़्यादा। अब भाई ग्रोथ जो है तो जिसके कारण क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, लूजिंग,
क्या हो सकती है, लोजिंग, ये प्लांट नीचे गिर सकता है, तो इसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसको हम किसी, है ना, लकड़ी के डंटल से इसको बांध देंगे, इसको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ताकि हम इसको ऐसे बांध सकें, ये प्लांट जो है नीचे ना गिर जाए, ठीक है। अगर नीचे गिर जाएगा तो टमाटो जो है सोइल के संपर्क में आएगा, खराब हो जाएगा। तो इनडिटर्मिनेट इस प्रकार की जो वेराइटी है ना, जनरली हम कहाँ लगाते हैं, ग्रीन हाउस के अंदर, ठीक है, ग्रीन हाउस के अंदर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में। और दूसरी जो है, तो इस प्रकार की जो वेराइटी होती है उनको वाइन टोमेटो कहते हैं, ठीक है, वाइन वेराइटीज होती हैं, वाइन, ठीक है। और दूसरा होता है कि भाई ऐसी टोमेटो वैरायटी जिनकी ग्रोथ बहुत कम होती है, तो इनको कहते हैं बुश टाइप। क्या कहते हैं? बुश टाइप। तो ये जो बुश टाइप होते हैं इनकी ग्रोथ बहुत कम होती है, इनको आपको सपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं होती, आपको हाइट छोटी है, नहीं तेज हवा चलेगी, बारिश होगी तो नीचे नहीं गिरते, है ना, फोल्ड डाउन नहीं होते, लॉजिक नहीं होती है। तो ये जनरली फील्ड है ना, ये जनरली क्या होता है भाई, फील्ड के अंदर है। तो ये कहाँ पर? ग्रीन हाउस के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर गिजार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि गिजार्ड इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट ऑफ द विच एनिमल, तो आंसर है मुर्गी, ठीक है। हैन जो होता है, हैन का पार्ट होता है गिजार्ड भाई, ठीक है। चलिए एसिड एंड वाटर कंटेनिंग एसिड, ठीक है, अम्लीय वर्षा जो होती है, तो अम्लीय वर्षा है ना H2SO4 प्लस HNO3, इन दोनों का जो मिक्सर है उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। जब ये दोनों मिक्स होकर बारिश के साथ नीचे आते हैं, ठीक है, तो एसिड रेन जो होता है, एसिड रेन की जो पीएच होती है वो कितना होती है, लेस देन 4.5, ठीक है भाई, पीएच बहुत कम होती है, तो HNO3 और H2SO4, ठीक है। चलिए जो ताजमहल का जो रंग है ना थोड़ा फीका पड़ता जा रहा है उसी के कारण, इन रिड्यूस्ड टिलेज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द क्रॉप रेसिड्यूज लेफ्ट ओवर द सोइल सरफेस, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि 15 से, मैंने आपको बताया था कि 15 से लेकर 30% तक अगर क्रॉप रेसिड्यूज, ठीक है, सोइल के ऊपर रहता है तो उसको रिड्यूस टिलेज कहते हैं, ठीक है। लेस देन 15% तो कन्वेंशन टिलेज, 30% तक हमने पढ़ा था कंजर्वेशन टिलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सीड डोरमेंसी ब्रेकिंग बाई द लो टेम्परेचर, अगर निम्न तापमान से, कम तापमान से अगर हम सीड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन मतलब होता है डोरमेंसी ब्रेकिंग बाई मैकेनिकल मेथड, ठीक है, डोरमेंसी ब्रेकिंग बाई किसके द्वारा, तो आंसर है मैकेनिकल मेथड के द्वारा, ठीक है, मैकेनिकल मेथड के द्वारा, या हार्ड स्वीट कोर को रप्चर करके हम क्या करते हैं, डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। बर्निलाइजेशन का मतलब होता है, कभी कभी स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है कि बर्निलाइजेशन होगा या स्टेटिव, इसका आंसर कभी कभी बर्निलाइजेशन का मतलब होता है इंड्यूस फ्लोवरिंग बाई लो टेम्परेचर, ठीक है, इंड्यूस फ्लोवरिंग बाई लो टेम्परेचर के द्वारा क्या करना भाई, फ्लोवरिंग को इंड्यूस करना, इसे ही बोलते हैं हम बर्निलाइजेशन। इसका बाद होता है अगला फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म का मतलब होता है द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ डे एंड नाइट लेंथ ऑन द फ्लोवरिंग, फ्लोवरिंग पर दिन और रात की अवधि का जो प्रभाव होता है उसको बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। LDP, है ना, SDP जो प्लांट पढ़ते हैं वो क्या होता है, फोटोपीरियोडिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सम क्रॉप इज ग्रो ईयर आफ्टर ईयर एंड लैंड रोटेड, ठीक है, आफ्टर सम ईयर, मतलब क्रॉप आपको एक ही लगाना है लेकिन लैंड आपकी रोटेड होती है, तो इस प्रकार के कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जूम कल्टीवेशन, लैंड रोटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यहाँ पर क्या, एक ही क्रॉप, जनरली आपको पता है कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है भाई, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जो राज्य होते हैं वहाँ पर इसको किया जाता है। जनरली सेम क्रॉप राइस जो होती है, ठीक है, राइस हर साल राइस ही लगाते हैं, क्या करते हैं, एक जगह गए, यहाँ का जंगल काटा, यहाँ की जगह साफ की, ठीक है, यहाँ के फॉरेस्ट को कट करके, ठीक है, लैंड क्लियर की, इसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, अगली जगह जाएंगे, फिर जंगल को काटेंगे, फिर है ना सेम क्रॉप, यहाँ पर राइस लगाया, यहाँ पर राइस लगा, अगली जगह फिर नई जगह जाएंगे, फिर जंगल को काटेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट को कट करेंगे, बर्न करेंगे, फिर से सेम क्रॉप, तो इसको बोलते हैं हम जूम कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सिल्वर सूट एंड ओनियन लीफ लाइक सिम्टम्स इन राइस ड्यू टू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि राइस के अंदर सिल्वर सूट और ओनियन लीफ जो सिम्टम्स है ये किसके कारण आते हैं, तो आंसर राइस गोल मिर्च के द्वारा आते हैं, ठीक है, ओरसेलिया ओराइजी, ठीक है, ओरसेलिया ओराइजी जो पेस्ट होता है, इंसेक्ट होता है, ठीक है, इसके द्वारा कौन से सिम्टम आते हैं, राइस गोल मिर्च, एक इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। तो राइस का जो येलो स्टम बोरर होता है इसके द्वारा डेड हेड का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, डेड हेड, याद रखना आप, डेड हेड का फॉर्मेशन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है राइस का, ये कैसा है, एब्सोल्यूट पेस्ट होता है या मोनोफेगस पेस्ट ऑफ राइस, ठीक है, ये वाला। गंदी बग जो होता है भाई, गंदी बग से पंजेंट स्मेल आती है, मिल्किंग, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि गंदी बग जो है मिल्किंग स्टेज पर अटैक करता है, गंदी बग जो होता है
मिल्किंग स्टेज पर क्या करता है, अटैक करता है। ब्राउन प्लांट होरापात को ग्रासी स्टंट डिजीज को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, चलिए। करनाल वंट ग्रेन्स इमिट फोली और फ्लैसी स्मेल। देखो, गेहूं के अंदर एक डिजीज होती है करनाल वंट, नेवोसिया इंडिका के द्वारा, है ना। व्हीट के अंदर एक डिजीज होती है करनाल वंट, है ना, नेवोसिया इंडिका। ठीक है, ये कोजल ऑर्गेनिज्म है नेवोसिया इंडिका फंगस, इस फंगस से डिजीज होती है। तो अगर है ना जो ग्रेन्स है आप उनका आटा बनवा लेते हो आप, है ना, उनका जो फ्लोर हम बना लेते हैं आटा, तो उसके अंदर बदबू आती है। ठीक है, अगर आप रोटी बनाओगे उनकी तो क्या आएगी, बदबू आती है इस ग्रेन के अंदर। उसका कारण होता है ट्राइमिथाइलामाइन। ठीक है, उन ग्रेन से क्या आएगी, आपको एक गंदी सी स्मेल आती है गेहूं के दानों से, किसके कारण, ट्राइमिथाइलामाइन के कारण। चलिए नेक्स्ट, मेज प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। ठीक है, विच इज द डेफिशिएंट। देखो, मेज प्रोटीन, मेज के अंदर प्रोटीन को क्या बोलते हैं, जीन, जो कि मेज के अंदर होती है 10%। ठीक है, मक्का के ग्रेन्स के अंदर मेज के अंदर जो प्रोटीन होती है वो भाई जीन कहते हैं, जिसको कितनी होती है, 10% होती है। अब ध्यान से सुनना, जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, सीरियल क्रॉप्स जितनी भी होती हैं उनमें लाइसिन अमीनो एसिड की कमी होती है। किसकी कमी होती है, लाइसिन की, है ना। लाइसिन अमीनो एसिड क्या होता है, डेफिसिट। ठीक है, लाइसिन की क्या होती है, कमी। लाइसिन अमीनो एसिड क्या होता है भाई, डेफिसिट होता है। लेकिन मक्का भी सीरियल है, मेज इज सीरियल क्रॉप, बट मेज ग्रेन्स इज डेफिशिएंट या मेज प्रोटीन जीन इज डेफिशिएंट लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है भाई, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों की कमी होती है। ठीक है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों की क्या होती है, मेज प्रोटीन के अंदर कमी होती है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो है ना, फिर साइंटिस्टों ने कही अगर भाई दोनों की कमी है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए कुछ वेराइटीज बनाई, तो इसके लिए है ना ट्रिप्टोफैन और ओपिक, इसके लिए ओपिक टू जीन का यूज करके, है ना, ओपिक टू जीन का यूज करके QPM वैरायटी, क्वालिटी प्रोटीन मेज, जैसे शक्तिमान वन, शक्तिमान टू, रत्ना, ये वैरायटी बनाई गई। क्लियर है, तो किस जीन का यूज करके, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लाइसिन ट्रिप्टोफैन की जो कमी होती है प्रोटीन की, इसको पूरा करने के लिए साइंटिस्ट ने जो QPM वैरायटी बनाई वो किस जीन का यूज करके, ओपिक टू जीन का यूज करके बनाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द देसी ग्राम। ठीक है भाई, जो देसी चना होता है उसके बारे में कौन सा कथन, ठीक है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो देसी ग्राम के बारे में देखो, देसी ग्राम क्या होता है, शॉर्ट होता है हाईली ब्रांच, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसकी जो हाइट होती है वो कम होती है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती है। इसका जो सीड कलर होता है वो येलो टू डार्क ब्राउन कलर है, बिल्कुल सही है। टेस्ट वेट 140 से लेकर 260 ग्राम, बिल्कुल सही है। इसका क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 14 होता है, ये भी सही है। तो आंसर है ऑल ऑफ दिस, यहाँ पर ये आंसर होगा भाई, ये जो देसी ग्राम होता है उसके बारे में यहाँ पर जितनी भी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 18, लेंथ ऑफ टेंड्रिल इन पीएच मेजर। ठीक है, मटर के अंदर टेंड्रिल जो होते हैं भाई, है ना, मटर के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पर ऐसे बारीक बारीक टेंड्रिल्स होते हैं ना, अगर हम सपोर्ट देते तो टेंड्रिल की सहायता से जो क्या होती है, मटर सपोर्ट की सहायता से ऊपर चढ़ जाती है। तो टेंडर की जो टेंड्रिल जो होते हैं उसकी लेंथ को हम टेंड्रोमीटर से, किसके द्वारा, टेंड्रोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं, जैसे पेनीट्रोमीटर, सोइल रेजिस्टेंस, ठीक है भाई, सोइल रेजिस्टेंस, ठीक है, या स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं, पिकनोमीटर, ठीक है, बल्क डेंसिटी, ठीक है, लाइसीमीटर, ईटी। तो आपको याद रखना है कि भाई इनके द्वारा, ठीक है, इसके बाद एरिलोमीटर कॉटन के अंदर अपन। चलिए, बरका इज ए वैरायटी ऑफ, बरका किसकी वैरायटी है, तो आंसर है बिगना मुंगो, है ना। बरका किसकी वैरायटी है, ब्लैक ग्राम की, ठीक है, किसकी वैरायटी है, ब्लैक ग्राम की एक वैरायटी होती है बरका। ठीक है, बिगना रेडिएटा किसका नाम होता है, ये होता है ग्रीन ग्राम, ठीक है, ग्रीन ग्राम। बिगना साइनेंसिस तो लोबिया, ठीक है, बिगना ओरेंटिफोलिया ये होता है मोथवीन, ठीक है, मोथवीन, ठीक है, इसका RHS हाइपोजिया ग्राउंडनेट, ये साइंटिफिक नेम है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, वीड्स मैच्योर एट द सेम टाइम एंड हाइट अलोंग विद द क्रॉप एंड सीड आर सिमिलर टू द मैन क्रॉप, सो डिफिकल्ट टू सेपरेट ऑफ द सीड फ्रॉम द मैन क्रॉप इज कॉल्ड। ठीक है, देखो, ऐसे खरपतवार जिनकी हाइट, ऐसे वीड जिनकी हाइट मैन क्रॉप के बराबर होती है, ठीक है, इनका जो मैचुरेशन टाइम, देखो ये जो अपना क्रॉप है, ठीक है, इस क्रॉप के साथ ये वीड है, तो ये है ना क्रॉप और वीड, ये क्रॉप है और ये वीड है, ठीक है, दोनों की हाइट क्या है, बराबर, ठीक है, दोनों की हाइट बराबर है, दोनों का मैचुरेशन टाइम जो है वो सेम है भाई। जब मैचुरेशन टाइम सेम होगा, हाइट बराबर, जब हम इसको हार्वेस्टिंग करेंगे तो इसको हार्वेस्ट करने के साथ ये जो वीड है, खरपतवार है, इसके सीड इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, तो इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। तो इस प्रकार के वीड्स को क्या कहते हैं, तो जिनका हाइट बराबर होती है मैचुरेशन, तो उसे कहते हैं सैटेलाइट वीड। क्या कहते हैं, सैटेलाइट। देखो, एक होता है ऑब्जेक्शनल वीड,
ऑब्जेक्शनल वीड समझना। ऑब्जेक्शनल वीड में क्या होता है कि इसके जो सीड्स होते हैं रिजेंबल लाइक मैन क्रॉप, ठीक है, इसके जो सीड्स होते हैं, ठीक है, रिजेंबल टू मैन क्रॉप, इसके जो बीज होते हैं सीड वो हमारी मैन क्रॉप के जैसे होते हैं, क्लियर है, मैन क्रॉप जैसे होते हैं। अगर ये मिक्स हो गए तो इनको सेपरेट करना बहुत क्या होगा, मुश्किल। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सत्यानाशी आर्जिमोन मैक्सिकाना के अगर सीड मस्टर्ड के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना, क्लियर है भाई, आर्जिमोन मैक्सिकाना मस्टर्ड के अगर साथ मिक्स हो जाता है तो उसको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इससे एक डिजीज भी होती है, ड्रॉपसी डिजीज, ठीक है, कौन सी, ड्रॉपसी, अगर भाई है ना आर्जिमोन मैक्सिकाना मस्टर्ड के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, अगर मस्टर्ड से हम ऑयल निकालते हैं और अगर इनसे जो आर्जिमोन मैक्सिकाना इनके सीड भी अगर मस्टर्ड के साथ क्रश हो जाते हैं तो उसके अंदर जहरीला हो जाता है, मस्टर्ड ऑयल जहरीला हो जाता है, उसको खाने से कौन सी बीमारी होती है, ड्रॉपसी डिजीज होती है, जो कि 1998 में दिल्ली के अंदर हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को ब्लाइंडनेस हो चुका है इससे, ठीक है, तो उसको ऑब्जेक्ट, जैसे वीट के अंदर होता है एक, ठीक है, हिरणकुरी कनमेनुलस अरवेंसिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है हिरणकुरी कनमेनुलस अरवेंसिस, ठीक है, कनवोल्वुलस, ठीक है, अरवेंसिस, कनमेनुलस अरवेंसिस जो होता है भाई, है ना, हिरणकुरी, ये किसका है, ऑब्जेक्शनल वीट है, वीट का। एक नेशनल सीड कॉरपोरेशन में क्वेश्चन आया था, ठीक है, चिकोरी इंटीवस नाम से, जिसको हम कासनी भी कहते हैं, कासनी, ये वीड है, ये वर्सीम का ऑब्जेक्शनल वीड होता है, याद रखना, ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिकोरिया इंटीवस कासनी, ठीक है। इसके बाद मिमिक्री वीड, आप जानती हो भाई मिमिक्री वीड क्या होता है, ये जो पूरा प्लांट होता है ये तो मैन क्रॉप जैसा ही होता है, जैसे फेलेरिस माइनर है, ये तो आपको पता ही है, नकलची खरपतवार होता है फेलेरिस माइनर, है ना, वीड का क्या होता है। इसके बाद नॉक्सियस वीड का मतलब क्या होता है, ऐसे वीड जिनको कंट्रोल करना वो डिफिकल्ट होता है, जो कि ट्रबलसम होते हैं, परेशानीदायक, बहुत ही ज़्यादा इनको कठिन, इनको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जो कि ट्रबलसम होते हैं उनको बोलते हैं हम नॉक्सियस, जैसे पार्थेनियम, ठीक है, पार्थेनियम जो होता है भाई वो क्या होता है, तो आंसर है नॉक्सियस वीड। अब यहाँ पर होता है रिलेटिव वीड, रिलेटिव वीड का मतलब होता है, ठीक है, अदर क्रॉप ऑफ द मैन क्रॉप फील्ड, ठीक है, अदर क्रॉप इन मैन क्रॉप, मैन क्रॉप, जैसे हमने वीट लगाया, मैन क्रॉप है ना, वीट के साथ अगर है ना बारले, वीट के फील्ड में अगर बारले आ जाता है तो बारले क्या होगा, रिलेटिव वीट, मतलब मैन क्रॉप में अगर कोई दूसरी क्रॉप आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव वीट। अगर वीट फील्ड में बारले उग गया, ठीक है, बारले हमने ग्रो नहीं किया, बारले को हमने सोइंग नहीं किया, सोइंग हमने वीट को किया, लेकिन बारले गलती से उग गया, तो बारले क्या होगा, रिलेटिव वीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच सोइल स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए कौन सा सोइल स्ट्रक्चर बेस्ट होता है, तो आंसर है क्रमी स्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्रमी जो होता है एक प्रकार से स्पोरोइडल का क्या होता है, टाइप है, स्पोरोइडल जो होता है उसका टाइप होता है, क्यों, क्योंकि ये पोरस होता है भाई, ठीक है, इसके अंदर पोरस ज़्यादा होते हैं इसलिए ये बहुत अच्छा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सोइल वाटर बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, ठीक है, तो इस वाटर को कहते हैं अवेलेबल वाटर, ठीक है, क्या कह रहा है कि 1/3 जो होता है फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, इसके बाद होता है 31 हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट, है ना, तो इन दोनों की फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, इसके बीच में जो वाटर होता है ये एक्चुअली प्लांट को अवेलेबल होता है, जिसको हम अवेलेबल वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं, अवेलेबल वाटर, ठीक है, और कोई सा वाटर जो है प्लांट को एब्जॉर्ब नहीं होता, सिर्फ यही वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है, -1/3 से लेकर -15 वाला, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एल्कलाइन सोइल, एल्कलाइन सोइल के बारे में भाई कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जिप्सम, पहला ऑप्शन है जिप्सम इज यूज फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सोइल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिप्सम का यूज किया जाता है एल्कलाइन सोइल को सुधारने में, बिल्कुल करेक्ट है। ईसी ऑफ एल्कलाइन सोइल इज 4, ग्रेटर देन, ये गलत है, ईसी लेस देन 4 होता है, ठीक है, पीएच ये सही है, ईएसपी सही है, तो भाई ऑप्शन जो बी है, ओनली ऑप्शन बी क्या है, इनकरेक्ट है ना, ओनली बी क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, विच मिनरल इज अवेलेबल टू हाई पीएच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा न्यूट्रेंट होता है जो पीएच बढ़ाने पर उसकी अवेबिलिटी बढ़ती है, कि पीएच के इंक्रीज करने पर किस न्यूट्रेंट की अवेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो इसका आंसर होता है मोलिब्डेनम, इसका आंसर होता है भाई मोलिब्डेनम जो है इसकी अवेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, क्या कि अगर पीएच जो है लेस देन 6 है तो भाई कौन कौन से है ना, आयरन, जिंक,
Mn और एल्यूमिनियम, इनकी अवेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर pH सॉइल के अंदर लेस देन 6 है तो इनकी अवेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर pH 6 से लेके 6.5 है तो फॉस्फोरस, और pH है ना 6.5 से क्या है ज़्यादा है, ठीक है, तो भाई कैल्शियम और Mo, ठीक है, इनकी अवेबिलिटी ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, विथ फर्टिलाइजर हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रता ग्राही फर्टिलाइजर कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। ये हाईली एक्सप्लोजिव भी होता है, क्या होता है, हाईली एक्सप्लोजिव भी होता है ना, इसी कारण क्या होता है हाईली एक्सप्लोजिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव, ठीक है, हाईली क्या होता है एक्सप्लोसिव होता है, क्लियर है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है, याद रखना, अमोनियम नाइट्रेट जो है सबसे ज़्यादा, इसके बाद यूरिया, इसके बाद अमोनियम सल्फेट, ये आपको ऑर्डर याद रखना है, अमोनियम सल्फेट और लास्ट में आएगा कैन, CAN, लास्ट में कौन होता है कैन, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक अमोनियम नाइट्रेट, फिर यूरिया, फिर अमोनियम सल्फेट, फिर कैन, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है अमोनियम नाइट्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्या है, लॉन्जिटार्सस निग्रीपेनिस इज ए पेस्ट ऑफ विच ग्रुप, तो आंसर है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के अंदर एक पेस्ट होता है पोलू बीटल, कौन सा, पोलू बीटल, तो पोलू बीटल का साइंटिफिक नाम होता है कौन सा, तो आंसर है लॉन्जिटार्सस निग्रीपेनिस, पोलू बीटल का साइंटिफिक नाम है, जो कि ब्लैक पेपर का एक पेस्ट है। चलिए अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, तो आंसर आनंद गुजरात के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांटिंग सिस्टम 15% मोर प्लांट प्लांटेड देन स्क्वायर सिस्टम, ठीक है, जो भाई हॉर्टिकल्चर के अंदर है हमारे, ठीक है, ऑर्चर्ड लगाने के जो मेथड्स होते हैं, तो स्क्वायर सिस्टम की तुलना में ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें 15% प्लांट ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होता है हेक्सागोनल। आपने पढ़ा होगा कि हेक्सागोनल सिस्टम जो है, ठीक है, हेक्सागोनल सिस्टम जो है हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल सिस्टम में 15% मोर प्लांट आते हैं। अब यहाँ पर हेक्सागोनल नाम नहीं है, तो हेक्सागोनल नाम नहीं है तो हेक्सागोनल का दूसरा नाम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल सिस्टम, हेक्सागोनल का दूसरा नाम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे ऐसा कोई पूछा जाए, ठीक है, कि भाई ऐसा कौन सा प्लांटिंग मेथड है जिससे सबसे ज़्यादा प्लांट लगाए जा सकते हैं, हाईएस्ट प्लांट जिसमें, तो स्क्वायर सिस्टम से लगभग जस्ट डबल प्लांट लगाए जाते हैं, किसमें, क्यूंकस सिस्टम, डायगोनल फिलर सिस्टम, ये तीनों एक ही है, ये तीनों सिस्टम एक ही नाम है, क्यूंकस डायगोनल फिलर सिस्टम जो होते हैं, इसमें स्क्वायर सिस्टम के कंपेरिजन में लगभग डबल प्लांट लगाए जाते हैं, कितने, लगभग डबल प्लांट लगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, प्रोपेगेशन एंड डेड पाम टेक्स प्लेस बाई ऑफसेट सकर, ठीक है, ऑफसेट सकर से जो होता है, स्वाट सकर से किसमें होता है, बनाना, ठीक है, स्लिप सकर से पाइनएप्पल, याद रखना पाइनएप्पल के द्वारा। चलिए रनर जो है आपको मिल जाएगा दूब ग्रास, ठीक है, दूब ग्रास के अंदर आपको रनर्स मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो ड्यू टू द, भाई ब्लैक टिप जो होती है बोरोन की कमी है ना, अगर बोरोन ऑप्शन में नहीं आता तो आंसर है कि ईंट के भट्टों से निकलने वाला धुआं, स्मोक, ठीक है, किसका, तो आंसर स्मोक जो होता है, स्मोक ऑफ, ठीक है, ब्रिक्स किल्स, ईंट के जो भट्टे होते हैं भाई, ठीक है, जहां पर ईंटें बनाई जाती हैं, ब्रिक्स बनाई जाती हैं, उनके भट्टों से जो निकलने वाला धुआं होता है उसके द्वारा भी डिजीज होती है, या फिर बोरोन की कमी से क्या होता है, ब्लैक टिप नाम की बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेक्टर ऑफ सेट्रा स्ट्रेटेजा वायरस, भाई सेट्रा स्ट्रेटेजा जो वायरस डिजीज होती है, ठीक है, वायरस के द्वारा, इसका वेक्टर क्या है, तो आंसर इसका वेक्टर होता है एफिड, जिसका नाम है टॉक्सोप्टेरा सिट्री, एफिड, ठीक है, ये एफिड का नाम है। इसका डाइफोरिना सिट्री, ये भाई सेट्रासाइला, याद रखना ये है सेट्रासाइला, ठीक है, आपको साइंटिफिक नाम बता देता हूँ मैं, सेट्रासाइला। इसका पेपुलिया डेमोलिस, ये लेमन बटरफ्लाई है, क्या है, लेमन बटरफ्लाई, ठीक है, लेमन बटरफ्लाई है। इसके बाद ऑथेरिस फोलिनिका, फ्रूट सकिंग मौत, क्या है ये, फ्रूट सकिंग मौत, ठीक है। इसके बाद फाइलोसिंक्टस सिट्रेला, ये होता है लीफ माइनर, क्या होता है भाई, लीफ माइनर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विच केमिकल इज यूज फॉर द रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट इन ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होता है उनको कम करने के लिए किस केमिकल का यूज किया जाता है, तो आंसर एन ए, नेप्थिलिक एसिड, एक एसिड का यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विच फ्रूट इज सुटेबल फॉर जेली, ठीक है, जेली बनाने के लिए आपको पता है गावा सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट होता है जेली बनाने के लिए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 है ना, क्वेश्चन नंबर 34 है, क्या है, चेविंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, क्या पूछा है भाई, चेविंग एंड माउथिंग, ठीक है, लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन, तो आंसर है वी एंड वास्प, वी एंड वास्प के अंदर आपको क्या मिलेगा, चेविंग एंड, है ना,
जो थ्रिप्स होते हैं रास्पिंग एंड सकिंग टाइप, भाई थ्रिप्स के अंदर होते हैं रास्पिंग एंड सकिंग टाइप, ठीक है। इसके बाद हाउस फ्लाई तो स्पॉन्जिंग टाइप, ठीक है स्पॉन्जिंग टाइप। बटरफ्लाई साइफिनिंग, ठीक है बटरफ्लाई के अंदर होते हैं साइफिनिंग टाइप। एफिड के अंदर होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, एफिड के अंदर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 35, द मेजर ब्लड शुगर इन इंसेक्ट, भाई इंसेक्ट के अंदर कौन सी शुगर होती है, ट्रेलोज, याद रखना ट्रेलोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये डाइसैकेराइड होती है, ठीक है। क्या होती है, एक डाइसैकेराइड शुगर है, क्या है भाई, ये डाइसैकेराइड शुगर होती है और एक प्रकार की नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। जैसे सुक्रोज होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उसी प्रकार ट्रेलोज भी क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग, सुक्रोज भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है ना, तो ट्रेलोज भी नॉन रिड्यूसिंग होती है, एक डाइसैकेराइड है। ट्रेलोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनती है, याद रखना, ठीक है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, साइंटिफिक नाम होता है रॉक हनी बी, भाई रॉक हनी बी या जाइंट हनी बी, जिसका साइंटिफिक नाम होता है एपिस डोरसाटा, जिसको हम जाइंट हनी बी भी कहते हैं, ठीक है जाइंट हनी बी, जाइंट मतलब होता है दैत्याकार, जो बहुत बड़ी होती है ना, ठीक है। दूसरा होता है एपिस सेरेना, ये भाई होती है इंडियन हनी बी, कौन सी होती है, इंडियन हनी बी, क्लियर है इंडियन हनी बी होती है। एपिस मेलिफेरा, ये कौन सी होती है, इटालियन, क्या होती है, इटालियन हनी बी। एपिस फ्लोरिया, ये होती है भाई हमारी लिटिल बी, कौन सी होती है, लिटिल बी, तो ये होती है हमारी लिटिल बी। तो आपको याद रखना है सभी के नाम, एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, वैन ए डिजीज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द कंट्री, कॉन्टिनेंट और द वर्ल्ड, भाई ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में या पूरे है ना महाद्वीप के अंदर प्रचलित होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैंडेमिक, ठीक है पैंडेमिक डिजीज। जैसे अभी कोरोना, तो कोरोना एक पैंडेमिक है, अपन बार बार बताते हैं कोरोना पूरी दुनिया में, तो ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं, पैंडेमिक, ठीक है। एपिडेमिक क्या होता है कि ऐसी डिजीज जो कभी कभार आती है लेकिन बहुत सीवियर फॉर्म में आती है, एपिडेमिक क्या होती है, सीवियर फॉर्म में, सीवियर फॉर्म में आ गई लेकिन बहुत कभी कभार आती है और बहुत ज़्यादा क्या करती है, हैवी लॉस, ठीक है हैवी लॉस करती है, जिससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। जैसे कभी कभी किसी रीजन के अंदर है ना क्या जाता है, कोलेरा आ जाता है, हैजा, तो वहाँ पर है ना बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई, तो वो क्या होता है, एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है कि कभी कभार आती है रेगुलर इंटरवल पर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सीवियर डैमेज, ठीक है। एक होता है हमारा स्पोरोडिक, ऐसी डिजीज जो क्या कब आती है, इरेगुलर इंटरवल पर, ज़्यादा लॉस नहीं करती, ठीक है इरेगुलर इंटरवल्स पर आती है, याद रखना इरेगुलर इंटरवल्स पर आने वाली डिजीज को कहते हैं स्पोरोडिक। एंडेमिक डिजीज क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसी डिजीज जो एवरी ईयर एक पर्टिकुलर प्लेस पर कन्फाइंड होती है ना, हर साल किसी एक विशेष स्थान पर, ठीक है एवरी ईयर आएगी, ठीक है हर साल, ठीक है एवरी ईयर, लेकिन पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में नहीं आएगी, ये किसी पर्टिकुलर रीजन में है ना, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपको ये मिलेगी, लेकिन आपको एवरी ईयर, जैसे इसका एग्जांपल तो दार्जिलिंग हिल्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, पोटैटो की डिजीज, ठीक है पोटैटो के अंदर है ना, पोटैटो के अंदर दार्जिलिंग जो है, ठीक है दार्जिलिंग हिल्स जो है वहाँ पर पोटैटो के अंदर जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, एंडेमिक, क्लियर है। चलिए इसके बाद इन C4 प्लांट द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, C4 प्लांट के अंदर फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर वाई PPO, फॉस्फो इनोल पाइरूवेट, कौन सा होता है, फॉस्फो, ठीक है इनोल पाइरूवेट, फॉस्फो इनोल पाइरूवेट, ठीक है फॉस्फो इनोल पाइरूवेट होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, तो सेकंड होता है RUBP, है ना RUBP होता है सेकंड CO2 एक्सेप्टर, सेकंड। अगर एंजाइम पूछा जाए कि फर्स्ट एंजाइम कौन सा होता है, तो पैपकेज, यहाँ पर एंजाइम कौन सा होता है, फर्स्ट एंजाइम पैपकेज, सेकंड एंजाइम होता है रोबिस्को, सेकंड कौन सा होता है, रोबिस्को होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, सनफ्लावर हाइब्रिड सर्टिफाइड आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है, तो आंसर है 400 मीटर, फाउंडेशन की होती है 1000 मीटर, फाउंडेशन की होती है 1000, सर्टिफाइड की होती है 400 मीटर, ठीक है। विच इज द इंडिजिनस ड्रॉट ब्रीड, यहाँ पर पूछा गया कि भाई इंडिजिनियस ड्रॉट ब्रीड कौन सी होती है ना, ठीक है कैटल की ब्रीड है बहुत सारी, इंडिजिनियस ड्रॉट ब्रीड आपको बताना ड्रॉट, तो देखो इसका करेक्ट आंसर है लीकर, थारपारकर, राठी, अंगोल, मेवाटी, ये सभी डुअल पर्पज है, ये सभी क्या है, डुअल पर्पज, क्लियर है ये सभी होती है डुअल पर्पज। क्वेश्चन नंबर 41 है, एज एट द फर्स्ट टाइम ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ FMD फूथ माउथ एंड माउथ डिजीज के जो वैक्सीन करते हैं, तो एज कितनी होती है, 4 मंथ, कितनी होती है भाई, 4 मंथ पर। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है ऑब्जेक्टिव ऑफ द परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं,
तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ द कॉमर्शियल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोडक्शन थ्रू द सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग, सही है। पेस्टिसाइड रिड्यूस फ्री प्रोड्यूस, अपने को ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो पेस्टिसाइड फ्री होना चाहिए। इंप्रूव्ड हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। राइज ऑफ फार्मर इनकम, भाई किसान की आय बढ़ना चाहिए। एंड क्रिएट पोटेंशियल मार्केट ऑफ ट्रेडर्स, इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बाई इन्वॉल्विंग फार्मर। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, किसानों को जोड़ना चाहिए जो कि वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को ज़्यादा उत्पादन करें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। देखो ये जो क्वेश्चन है जनरली यूपीएससी 2020 का था, प्री का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था यूपीएससी है ना, आईएएस जो एग्जाम होता है भाई, प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन था ये। क्या क्वेश्चन था वहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरीगेशन वाटर इज पॉसिबल, ठीक है, कि हम इरीगेशन वाटर को है ना, एल्कलिनिटी को इरीगेशन वाटर से कंट्रोल कर सकते हैं, करेक्ट आंसर है। दूसरे, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल, ये गलत है। हम फर्टिगेशन से फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं कर पाते, उसका कारण होता है कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर भाई वाटर के अंदर बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, इजी सोल्यूबल नहीं होते। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट, क्योंकि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो होते हैं वाटर के अंदर इनसोल्यूबल नहीं हो पाते, ठीक है। इंक्रीज अवेबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट बाई प्लांट इज पॉसिबल, ये बिल्कुल करेक्ट है, प्लांट को न्यूट्रेंट की अवेबिलिटी बढ़ जाती है। रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रेंट, ठीक है, इज पॉसिबल, भाई लीचिंग भी कम से कम होगा। तो ए एंड सी डी ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन नहीं पड़ता, ये करेक्ट है। चलिए, विथ रेफरेंस ऑफ द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी यूपीएससी 2020 का ही प्रश्न है, ठीक है, प्रीलिम्स का, ठीक है, कि ब्लैक ग्राम इज द कल्टिवेटेड ओनली द खरीफ, करेक्ट आंसर है। ग्रीन ग्राम इज अलोन अकाउंट द नियरली हाफ ऑफ द पल्स क्रॉप, तो ये गलत हो गया कि भाई ये इसका पहला ना दूसरा नंबर का ऑप्शन ये कह रहा है कि भाई ग्रीन ग्राम है ना दूसरे सबसे ज़्यादा मतलब पल्स प्रोडक्शन का हाफ रखती है, ये गलत है, ठीक है। इन द लास्ट 3 decades वाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेज इंक्रीज एंड रबी, तो ये गलत है। तो ओनली यहाँ पर बी ऑप्शन, अपना ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द एडवांटेज और है ना एडवांटेज ऑफ द जीरो टिलेज एग्रीकल्चर। देखो जीरो टिलेज एग्रीकल्चर के क्या एडवांटेज होते हैं, पहला है शोइंग ऑफ व्हाट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिडुअल्स ऑफ द प्रीवियस क्रॉप, बिल्कुल सही है। जीरो टिलेज के अंदर क्या करते हैं हम, तो भाई प्रीवियस क्रॉप के रेसिडुअल्स को इकट्ठा रहता है वहाँ पर। विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी राइस सैम्पलिंग डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड इज द वेट सोइल इन द पॉसिबल, ये भी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज द सोइल इज पॉसिबल, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर तीनों ए एंड बी एंड सी ये करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, नेशनल मिल्क डे भाई 26 नवंबर को मनाया जाता है, कब 26, बर्गेस कुरियन का जो है बर्थ जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, रफ़ी हमें किदवई अवार्ड, भाई रफ़ी हमें किदवई अवार्ड जो दिया जाता है आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चर में दिया जाता है। एक है फॉर आउटस्टैंडिंग डॉक्टरल, यहाँ पर डी आएगा आउटस्टैंडिंग डॉक्टरल थीसिस, तो है ना ये दिया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अवार्ड है ना। टू फाउंड आउट द सोल्यूशन ऑफ एनी इमीडिएट और लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम और लिमिटेशन एग्रीकल्चर, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी है ना, याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ AICRP चौधरी देवीलाल, ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया जाता है, चौधरी याद रखना आप देवीलाल अवार्ड दिया जाता है, चौधरी देवीलाल अवार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, ब्राउन गोल्ड किसको कहते हैं, तो आंसर है डेड पीपल ऑफ सिल्क वर्म, ठीक है। ये तो क्या होता है, तो आंसर अपना ये कॉटन क्या है, तो आंसर है व्हाइट गोल्ड है, एक प्रकार से क्या है व्हाइट गोल्ड है ये, तो है ना यहाँ पर पूछा था ब्राउन। सोयाबीन क्या है, येलो ज्वेल्स होता है, येलो ज्वेल्स, ठीक है, पीला सोना। मेज बैकबोन ऑफ अमेरिका है ना, बैकबोन ऑफ अमेरिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच आर द स्कीम्स, ठीक है, एमलगेटेड अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किन किन स्कीम को समायोजित किया गया है, ठीक है, किसको सम्मिलित किया गया है। तो एस रिलेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, बिल्कुल सही है। राइस डेवलपमेंट एंड गंगा रिज्यूविनेशन RDP एंड GR, बिल्कुल सही है। इंटीग्रेटेड वाटर सेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, बिल्कुल सही है, इसको भी मिला दिया इसमें। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन, ये भी सही है। तो सारी स्कीम्स को किस में मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को स्कीम लॉन्च हुई थी ना, 2015 को स्कीम 5 साल के लिए, जिसको 50,000 करोड़ रुपये का आउटले फंड सेंशन किया गया था बजट के अंदर, 50,000 5 साल के लिए।
व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये जो स्कीम है ये 10 सितंबर 2020 को लॉन्च हुई है ना, याद रखना 10 सितंबर 2020 को लॉन्च हुई है। तो इसके क्या क्या है ना ऑब्जेक्टिव है, क्या महत्व है? तो भाई इस स्कीम के अंदर बोला गया है कि टू इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन फ्रॉम 13.75 मिलियन मैट्रिक टन टू 22 मैट्रिक टन, 2025 तक ही हम 22 तक पहुंच जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। इंक्रीज ऑफ द फिशरी सेक्टर, ठीक है, फिशरी सेक्टर का जो ग्रोस वैल्यू एडिशन कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर जीडीपी में, वो बढ़कर 7.28 से लेके कितना हो जाएगा 9% एग्रीकल्चर जीडीपी में, है ना, ऑर्डर ओवरऑल जीडीपी में नहीं, फिशरीज का एग्रीकल्चर के अंदर। डबल एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ, ठीक है, फार्मर जो भाई कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं अभी हमको कितना कमाई होती है उससे 46,589 करोड़, ये बढ़कर हो जाएगी 1,00,000 करोड़ 2025 तक। इंक्रीज इन द डोमेस्टिक फिश प्रोडक्शन फ्रॉम 5 kg टू 12 kg पर कैपिटा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, हर ऑप्शन को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है, कि ताकि उनको बच्चों को भी नए नए क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाए, ठीक है, उनका फ़ायदा हो जाए, ठीक है दोस्तों। अगर आप RHU RUSD की अगर हैं बैच स्टार्ट हो चुकी है ऑफलाइन बैच, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अगर इंदौर के अंदर रहता है अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। इसका टाइमिंग 1 से लेकर 3 PM टैगोर अकेडमी सुंदरम कॉम्प्लेक्स भवरकुआ, या दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकता है, या फिर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो भाई 4399 के अंदर, ठीक है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।